नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज एक नहीं दो दो खुशखबरी हैं, दो दो अच्छी न्यूज़ हैं, तो चलिए सुनाना शुरू करते हैं। भारत की रणनीति एक ऐसे मोड़ पर जा खड़ी हुई है कि जहां उसे अपना खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, पैसा भी उसके जेब में आएगा और चीन की घेराबंदी भी हो जाएगी। दरअसल ये चीन की करतूतों का ही अंजाम है। चीन हर छोटे देश को धमकाता है और साउथ चाइना सी पर अपना असर जताता है। जितने भी छोटे छोटे देश हैं, चाहे वो मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो या फिलीपींस हो, सबके समुद्री एरिए को अपना एरिया चीन बताता है। चीन एक पुराने मैप को दिखाकर ये कहता है कि ये जो पुराना हमारा मैप कभी का था, उसमें ये सारा एरिया हमारा था, जबकि उस मैप की कोई मान्यता नहीं है। अब चीन की यही बढ़ती दादागिरी उन देशों को लगातार परेशान करती जा रही है। उनके खुद के समुद्री एरिए में भी उन्हें फिशिंग के कंपनीज़ को और उनके मछुआरों को वहाँ पर आने नहीं देती है। वहाँ अपना हक जताता है चीन, चीन की नेवी उन्हें वापस खदेड़ देती है और चीन चाहता है कि उस पर पूरे क्षेत्र पे उनका कब्जा हो जाए। साथ ही साथ वहाँ की जो खनिज वहाँ पर निकलने हैं या जो फिशिंग है वहाँ पर, पूरा का पूरा चीन के कब्जे में आ जाए। ऐसा देखते देखते जब इन देशों की सहन शक्ति खत्म हो गई तो इन्होंने भारत का रुख किया। अब भारत जो चाहता था वही हो रहा है। पहले सबसे पहले यहाँ पे बात करें फिलीपींस की, फिलीपींस के साथ भी यही हुआ, तो फिलीपींस ने भारत की तरफ रुख किया और भारत को 350 मिलियन, जी हाँ 350 मिलियन डॉलर का ऑर्डर दे डाला ब्रह्मोस के लिए। अब ब्रह्मोस को आप जानते ही हैं, एक ऐसी मिसाइल है जिसकी किसी के पास कोई काट नहीं है। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसकी चाइना के पास भी कोई काट नहीं है और चाइना इससे डरता भी है। तो यहाँ पे ब्रह्मोस का ऑर्डर दिया गया भारत को और बहुत ही जल्द इसका डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। ये ऑर्डर भारत को पहले ही मिल चुका है। अब जैसे जैसे फिलीपींस के साथ में हो रहा था, ऐसे ही अभी इंडोनेशिया के साथ भी चाइना ने करना शुरू किया। अब चाइना ने ये करना शुरू किया तो इंडोनेशिया ने भी वही रास्ता अपनाया जो फिलीपींस ने अपनाया, वो भी भारत के पास आया और भारत को 200 मिलियन डॉलर का पहला ऑर्डर दिया है, जिसमें कि अभी थोड़ी सी डीलिंग रहती है जो वहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट मिलकर करेंगी, उसके बाद सब कुछ फाइनल है। ये लगभग 99.99% ये डील फाइनल हो चुकी है और इसके बाद भारत वहाँ पर भी ब्रह्मोस की डिलीवरी शुरू करेगा। इससे दो फायदे होंगे, भारत को पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा और चीन की घेराबंदी भी हो रही है, तो एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं और एक ही जगह से दो फायदे हो रहे हैं। भारत का जो एक्सपोर्ट है, हथियारों का एक्सपोर्ट है, वो बढ़ रहा है। ये बहुत खुशी की बात है अपने भारतीयों के लिए, अपने वैज्ञानिकों के लिए, हमारे पूरे देश के लिए और हर भारतीय के लिए, कि जो भारत पहले दूसरे देशों से हथियार मंगाता था, आज वो हथियार एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है और बहुत से देशों को धीरे धीरे पीछे भी छोड़ रहा है। भारत ने अपना, जो मैंने दो दिन पहले आपको खबर दी थी, कावेरी इंजन भी फाइनली बना लिया है और वो 8 इंजन गोदरेज बहुत जल्द हमें दे देगी, यानी कि DRDO को सौंप देगी। एमका के लिए भी आगे चलकर वो यूज हो पाएंगे, उससे बड़ा थोड़ा वेरिएंट बना के, और फिलहाल तेजस के लिए भी यूज हो पाएंगे। ये इतना अच्छा इंजन बनाया है कि जनरल इलेक्ट्रिक का जो अभी इसमें अपना तेजस में जो यूज होता है इंजन, उसी के बराबर थ्रस्ट जनरेट करता है। तो आप समझिए कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पे हमारा इंडिया, हमारा DRDO और हमारे साइंटिस्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे सब के लिए एक गर्व की बात है। तो इसी के लिए आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए। आपका भारत नाम का भारत आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको ये जो खबर है इंडोनेशिया और फिलीपींस वाली, जिसमें ब्रह्मोस यहाँ से भारत से वितरित होनी है, दी जानी है डील के थ्रू, तो ये कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको ये खबर अच्छी लगी होगी, क्योंकि दोनों ही तरह से पलड़ा हमारी तरफ है, पैसा भी आएगा और घेराबंदी भी होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।